और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे टाटा स्टील स्टॉक के बारे में। 6 मंथ के रिटर्न और 1 ईयर के रिटर्न स्टॉक के फेवरेबल रहे हैं। 1 ईयर में स्टॉक ने जो रिटर्न दिए हैं वो नियर अराउंड देखेंगे तो 18% तक का रिटर्न दिखा है। ये लेवल 100 के आसपास के लेवल से 120 तक के लेवल दिखे, तो नियर अराउंड जो है 18-20% तक के रिटर्न्स को लेंगे। लेकिन यही अगर हम होराइजन कर दें 2 साल का, तो 2 ईयर्स में स्टॉक के जो ट्रेंड रहे वो निगेटिव रहे। और इसको लेकर के ही यहाँ एक एडिटोरियल भी दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो इस एडिटोरियल को बीएम मार्केट में आगे देखेंगे कि टाटा स्टील डिलीवर निगेटिव रिटर्न्स इन 2 ईयर, व्हाट शुड इन्वेस्टर डू। इस न्यूज को आप चाहें तो आगे पढ़ सकते हैं। यहां देखेंगे टाटा स्टील शेयर डिलीवर निगेटिव रिटर्न इन लास्ट 2 ईयर, और इसके साथ ही जो इस स्टॉक में जो टारगेट आया है आईसीआईसीआई सिक्योरिटी 150, 140 रेलिगेयर और 165 भसिनजी। और इस एडिटोरियल को आप चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं। मैं आपको अपने अंदाज में इसके टारगेट दिखाऊंगा। सबसे पहले रिसेंट के जो भी ट्रेंड रहे यहां देखेंगे, जो मैंने कहा कि 2 साल का ट्रेंड निगेटिव है, पिछले 1 ईयर और 6 मंथ के ही रिटर्न पॉजिटिव रहे, उसके बाद सभी ट्रेंड जो है वो निगेटिव ट्रेंड ही दिखा है। जो डिलीवरी है वो बेटर दिख रही है, लेकिन इस समय इस स्टॉक में न्यूज एक अच्छी दिखी थी टाटा स्टील लॉन्ग के मर्जर को लेकर के, और उसके साथ ही जो फिच की रेटिंग थी वो अपग्रेड हुए और इस समय इसके क्वार्टरली नंबर्स 1 नवंबर को आने हैं। यहाँ देखेंगे 1 नवंबर क्वार्टरली नंबर्स आने हैं। क्वार्टरली नंबर से पहले मुझे ऐसा लगता है कि एक गिरावट दिख सकते हैं, और यहाँ ट्रेंड देखेंगे तो पिछले 2 साल से जो स्टॉक का ट्रेंड है वो निगेटिव ट्रेंड है। उसी 2 साल के निगेटिव ट्रेंड में जिसने भी यहाँ पे लोअर लेवल पे बाइंग कर लिया 100 और 90 के बीच में, उसने शॉर्ट टर्म में यानी 6 मंथ 1 ईयर के ड्यूरेशन में, या फिर जो लोअर लेवल के बायर थे इस स्टॉक में जिन्होंने पूरा बॉटम पे बाई करा, उसने 56% तक के रिटर्न्स भी बनाए। लेकिन इस समय ये ट्रेंड कैसा रहा, यहाँ ट्रेंड कंटिन्यू और ये ट्रेंड मुझे सपोर्ट दिख रहा है। इसीलिए हमने आपको लास्ट टाइम कहा था ये जो 119 का प्राइस है ये नो ट्रेडिंग जोन है। इसको मैं आपको डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे दिखाऊं तो शायद आप बेटर समझ पाएंगे। यहाँ देखेंगे तो ये इस समय नो ट्रेडिंग जोन है, इसको अपने जोन का वेट करें जो कि 116 से 108 के बीच का है। इस जोन में धीरे धीरे एक्युमुलेट करेंगे, यहाँ देखेंगे इस जोन में एक्युमुलेट करेंगे, फिर जो हमारा टारगेट है 134, 160 और 200 तक के लेवल्स आएंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडर बिल्कुल इग्नोर करें, इन्वेस्टर इस जोन का वेट करें। और भी बहुत स्टॉक है, ऐसे स्टॉक्स में फंसने से इस समय बेटर है क्योंकि जो ट्रेंड है वो निगेटिव ट्रेंड है और इस प्रकार से ये यहाँ तक का लेवल दिख सकता है।